Hello friends, welcome to our channel Home and Kitchen. Hello friends, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गोल्ड ज्वेलरी को हम घर पे कैसे साफ कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि सिल्वर ज्वेलरी को हम घर पे कैसे साफ करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि घर में कभी भी जब भी हमारी कोई सिल्वर ज्वेलरी है उसे हम खुला छोड़ देते हैं, बाहर वो रखी रहती है या फिर कहीं पे भी पहनते भी काफ़ी बार क्या होता है कि उसका कलर ऐसे काला पड़ जाता है, हवा के साथ मिलके उस पर रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो ऐसे काला पड़ जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इस काली पड़ी सिल्वर ज्वेलरी को हम कैसे पहले जैसा नया बना सकते हैं बिना किसी खर्चे के, बहुत आसानी से, बहुत कम समय में इसे हम कैसे साफ करेंगे। तो सिल्वर ज्वेलरी को साफ करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमें एक कोई भी टूथपेस्ट चाहिए, आप चाहो तो टूथ पाउडर भी ले सकते हो, लेकिन हमने पेप्सोडेंट लिया है। आप चाहो तो कोई भी वाइट पेस्ट, कोलगेट ले सकते हो, कोई भी वाइट पेस्ट ले सकते हो। और एक ब्रश लेना है, ये बहुत रफ नहीं होना चाहिए, कोई भी पुराना सॉफ्ट टूथब्रश आप ले लीजिए। और फिर अब देखते हैं हम इसे कैसे साफ करेंगे। एक बर्तन में हम थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे, और टूथपेस्ट को ऐसे अपने हाथ पे, या तो आप चाहो तो ज्वेलरी के ऊपर लगा लो या फिर ऐसे हम अपनी हथेली पे इस पेस्ट को लगा लेंगे और फिर इसको सारे इस ज्वेलरी के ऊपर रब कर लीजिए। ये देखिए, इसे हम अच्छे से इसके अंदर कोट कर लेंगे, थोड़ा सा पानी में भिगो के, तो ये इसके ऊपर अच्छे से लग जाएगा। ये देखिए ऐसे। अब एक ब्रश लेंगे और उसे धीरे धीरे ऐसे रगड़ते हुए साफ करेंगे। कोलगेट आपके ज्वेलरी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके ऊपर कोई भी जो पेंटेड वर्क है, कोई पेंट किया हुआ है या फिर कोई और दूसरे किसी मेटल का भी हुआ है, तो इससे इसको कोई नुकसान नहीं होगा। आप इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के ऐसे साफ कर लीजिए। कई बार क्या होता है, हमारे घर में काफ़ी सारी ऐसे ज्वेलरी वो होती है और वो काली पड़ी होती है, इसलिए हम उसे चाके भी कई बार पहनते नहीं हैं और वो कई महीनों तक, काफ़ी कई सालों तक ऐसे ही पड़ी रहती है। तो अब इस मेथड को देखने के बाद आप क्या करिए, अगली बार से उन सब चीज़ों को निकालिए और इसे ऐसे आसानी से साफ करके देखिए, तो आप देखेंगे सब कुछ कितना नए जैसा हो जाएगा और वो चीज़ें वापस से यूज में आ जाएंगी। इस मेथड से ज़रूरी नहीं कि हम इस सिल्वर किसी ज्वेलरी को ही साफ कर सकते हैं, कोई भी सिल्वर की चीज़ है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो गया है और वो काली पड़ गई है, तो उसे हम इसी तरह से साफ कर सकते हैं। इस पे आपको गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसे थोड़ा अच्छे से रगड़ के साफ करना होगा, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से रगड़ के साफ कर लिया है, फिर हम इसे पानी में धो लेंगे। इसके बाद एक बड़े बर्तन में साफ पानी लेंगे, ठंडा पानी लेंगे और उसके अंदर इसको फिर से दोबारा से एक बार अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए, अब ये पायल बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो गया है और ये देखिए बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। कहीं पर भी हमें कोई भी कालापन, कोई गंदगी नहीं दिख रही इसके ऊपर। अब देखिए, अब ये डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं, ये पायल कितनी साफ हो गई है। तो अगली बार से आप जब भी आपको कोई भी सिल्वर की चीज़ ऐसी काली पड़ी हुई दिखती है, तो इसी तरीके से थोड़ा सा टूथपेस्ट लीजिए और उसे रगड़ के एकदम नए जैसा बना लीजिए। तो अब आप भी ये करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, और ये भी हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।